पंजाबी सिंगर जैस्मीन सैंडलर्स को जान से मारने की धमकी मिली है। सिंगर को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरी कॉल आए थी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जैस्मीन सैंडलर्स के लाइव कॉन्सर्ट के ठीक पहले उन्हें विदेशी नंबर से धमकी भरे फोन आए हैं। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाबी सिंगर जैस्मीन सैंडलर्स दिल्ली के जिस होटल में रुकी है वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई पहले भी कई बार बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी दे चुके हैं। इस साल की शुरुआत में भी सलमान को एक मेल की चेतावनी दी गई थी। साल 2018 में एक काले हिरण के शिकार मामले की सुनवाई चल रही थी, तब लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार करके बिश्नोई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय मूल की इंटरनेशनल पंजाबी सिंगर जैस्मीन सैंडलर्स अमेरिका में रहती हैं। जैस्मीन सैंडलर्स ने कई हिट गाने दिए हैं, उन्होंने कई बार बॉलीवुड गानों को भी अपनी आवाज दी है। जैस्मीन ने सलमान खान की फिल्म किक में यार ना मिले गाना और फिल्म स्ट्रीट डांस 3D में इलीगल वेपन 2.0 गाना गाया, जिसे वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने फिल्माया था। जैस्मीन सैंडलर्स निजी जिंदगी में विवादों में रही हैं, उन पर अश्लीलता फैलाने के भी आरोप लगे हैं।